मैं सर्वेश कुमार कटियार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्म क्षति महासभा। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय कुर्म क्षति महासभा के नेतृत्व में ये रथ यात्रा चलाई जा रही है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय बाल कुमार जी पटेल, पूर्व सांसद, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा महात्मा बुद्ध की नगरी कपिल वृक्ष से होते हुए 25 नवंबर से शुरू हुई है और 13 नवंबर को रमाबाई मैदान लखनऊ में खत्म होगी, सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में। ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है किसानों की समस्या। चूँकि कुर्मी समाज हमारा किसानों से जुड़ा हुआ है, खेती किसानी हमारा पैसा रहा है और इसकी समस्या जो भी आज बॉर्डर पर लोग बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, तो उनकी पीड़ा को समझते हुए, चूँकि सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार सुन नहीं रही है। 9 महीने 8-10 महीने हो चुके हैं, आज वो अपनी बात कर रहे हैं। जिन इन किसानों व किसान भाई जिन्होंने जो सरकारें हैं उनको अपना बहुमत दे के जिताया है, तो बहुमत वो अपनी बात उनसे कहना चाहते हैं, किसी दूसरे आदमी से कहेंगे नहीं, उन्हीं से बात करके अपनी बात कहना, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। तो हम लोग महासभा के माध्यम से अपने समाज को और लोगों किसान भाइयों को जागृत कर रहे हैं कि आप जो हैं इस काले कानून का नहीं मालूम है तो उसको विरोध करें, और क्योंकि जब अगर विरोध नहीं करेंगे, अगर ये काले कानून लागू हो गए तो किसानों की समस्या और बढ़ जाएंगी। चूँकि 2-4 घराने यहाँ के हिंदुस्तान के जो हैं उनके हाथ में पूरा एक किसान का सब सारी जो जींस पैदा करते हैं उनके हाथ में उनके कारो उसमें चली जाएगी। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? इस यात्रा में चूँकि हमारा कारवा चल रहा है, 25 तारीख से चल रहा है, आते हुए बनारस आया है और 50 जिलों में होते हुए ये जाएगा जो कारवा। का जो है एक तरह से जन जागरण का कार्य हो रहा है। हम बहुत जन जागरण के लिए जो है समाज के हित के लिए जो है रात दिन एक करके जो है आज चल करके हम लोगों के बीच में बनारस जिले में आए हैं।